हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एक्सीलेंट टेक्निकल क्लासेस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। लेकिन ये हम मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्यों यूज करते हैं, ये क्या होता है, इस चीज को आज हम जानेंगे, इसके वर्कडन को भी देखेंगे और इसमें होने वाली जो प्रोसेस है उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम सब जान लें कि मल्टी स्टेज क्या होता है। तो देखिए, अब तक हम जो पढ़े थे उसमें जो कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा था या उसमें जो भी हो रहा था, सक्शन, कंप्रेशन और डिस्चार्ज जो है एक ही सिलेंडर से हो जा रहा था। उसमें क्या था, उसमें एक ही सिलेंडर रहता था और एक सिलेंडर से कंप्रेशन होकर के उसमें क्या होता था, सक्शन होता था, कंप्रेशन और डिस्चार्ज सब एक ही सिलेंडर में हो जाता था। बट आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें जो मल्टी स्टेज आया है, तो मल्टी स्टेज के लिए इसमें ढेर सारे सिलेंडर होंगे, ठीक है। इसमें कई सिलेंडर होंगे और कई सिलेंडर होने के कारण क्या है, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। देखिए, अब तक जो हम पढ़े हैं सिंगल स्टेज वाले में, तो सिंगल स्टेज के बजाय हमको मल्टी स्टेज की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज को आइए देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, जब सिंगल स्टेज हम यूज करते थे तो सिंगल स्टेज में हमारा क्या था, जब प्रोसेस चल रहा था कंप्रेशन प्रोसेस का, तो कंप्रेशन प्रोसेस चल रहा था तो उसमें देखिए, जो ये मान लीजिए कोई सिंगल स्टेज का एक डायग्राम बना रहा है, एक पीवी डायग्राम की तरह समझते हैं। पीवी डायग्राम से पहले एक समझ लीजिए थोड़ा सा इसको, हम अगर इसको हम थ्योरेटिकली देखें, थ्योरेटिकली तो कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि हाँ मल्टी स्टेज हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट काम यूजेबल है, किसकी अपेक्षा, सिंगल स्टेज की अपेक्षा, ठीक है। देखिए कैसे, इसमें क्या था, जो हम उसकी बैलोमेट्रिक इफिशियंसी की बात करें तो बैलोमेट्रिक इफिशियंसी हमारी होती है, इसके लिए हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, 1 + k - 1 1 + k - k इनटू p2 अपॉन p1 पावर 1 अपॉन n, ठीक है। ये जो हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्या, यहाँ पे देखिए डायग्राम बना है पीवी डायग्राम, तो इसमें क्या है, ये यहाँ की इतने एरिया को हम क्या कहते हैं, बैलूम, जो हमारे क्लियरेंस बैलूम है, यहाँ पे क्या कहेंगे इसे, क्लियरेंस बैलूम। तो क्लियरेंस बैलूम क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अगर क्लियरेंस बैलूम को हम कांस्टेंट मान लें, क्या क्लियरेंस बैलूम को कांस्टेंट, बीसी अपान बीएस होता है ना, बीएस होता है, तो यहाँ से अगर क्लियरेंस बैलूम को क्या करें, कांस्टेंट मान लें, तो यहाँ पे हमारी जो के हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो के यहाँ पे जब कांस्टेंट हो गया क्लियरेंस रेशियो, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो अब ये जो हमारी बैलोमेट्रिक इफिशियंसी है, बैलोमेट्रिक इफिशियंसी हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल टू P2 अपॉन P1 पे, ये जो हमारा है यहाँ पे इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इस पे पावर 1 अपॉन n। तो यहाँ पे जब इस पे डिपेंड कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगाए हैं, और बात करिए यहाँ पे माइनस है, तो अगर माइनस है तो यहाँ प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल के लिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह होना चाहिए। तो प्लस का चिन्ह नहीं लगा के यहाँ पे केवल मैं ऐसे देखूं, ऐसे कंपेयर करूं कि जब यहाँ पे P2 जो हमारा प्रेशर रेशियो है, प्रेशर रेशियो जब यहाँ पे बढ़ेगा, प्रेशर रेशियो हमारा क्या होगा, जब बढ़ेगा तो इसकी बैलोमेट्रिक इफिशियंसी क्या हो गई, घट जाएगी, बैलोमेट्रिक इफिशियंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्या है, आप देख सकते हैं कि मल्टी सिंगल स्टेज क्या है, सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हमारे लिए मल्टी स्टेज का रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से कम बेनिफिट वाला है, इसीलिए हम मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को पढ़ रहे हैं या इसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अभी देख लीजिए, इसमें हम थोड़ा सा ऐसे प्रूव कर देते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पे देखिए, अभी जब हमारा क्या हो रहा था प्रोसेस में, देखिए यहाँ पे सक्शन होता है, क्या सक्शन यहाँ पे होगा, तो सक्शन के थ्रू सिंगल स्टेज की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे सक्शन हुआ, सक्शन के थ्रू क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, तो कंप्रेसर वन से टू तक कंप्रेशन किए, क्या वन से टू तक कंप्रेशन किए, तो कंप्रेशन प्रोसेस यहाँ पे कर दिए एक बार, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होने के बाद में यहाँ पे आ गई पॉइंट, ठीक। इस तरीके से मेरा प्रोसेस चला। अब मान लीजिए हमको और ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता है, तो ज्यादा प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, इसको और ज्यादा कंप्रेस करेंगे, तो सपोज करिए 1 से 2 डैश तक हम कंप्रेस करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस किए, तो यहाँ से यहाँ तक का कंप्रेस करने के बाद में जो हमारा डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे आप जानते हैं विथ क्लियरेंस है, तो क्लियरेंस है, तो इसके लिए जो हमारा यहाँ से एक्सपेंशन हो जा रहा था, 3 पॉइंट से यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंशन करेंगे तब, लेकिन जब यहाँ से कंप्रेशन यहाँ तक किए हैं, यहाँ तक, तो इसके लिए जो हमारा यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो हमारा जो यहाँ पे 4 डैश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 डैश आ जाएगा, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, सॉरी भाई यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक, यहाँ से जो हमारा एक्सपेंशन होगा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्सपेंशन हमारा हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का आ गया, डिस्चार्ज इतने में हुआ, एक्सपेंशन यहाँ से यहाँ तक का आया, ठीक। अब देखिए, अब हमको सपोज करिए और ज्यादा क्या है, और ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता है,
तो जब और ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता है तो हम 1 पॉइंट से कितना टू डबल डैश तक हम कंप्रेस करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जब हम कंप्रेस करेंगे तो इसके थ्रू जो हमारा डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज यहीं पे हो जाएगा और इसके लिए क्या होगा, जो हमारा एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस हमारा ठीक इसी लाइन पे आ जाएगा। ठीक इसी लाइन पे क्या था, हमारा कंप्रेशन भी हो रहा था और इसी पे क्या हो जा रहा है, डिस्चार्ज भी हो जा रहा है। तो इसी पे जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसके कारण क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट वन पे और पॉइंट डबल यहाँ पे जब प्रोसेस पहला चल रहा था तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी थी, जो हमारी स्वेप्ट वैल्यूम थी, स्वेप्ट वैल्यूम हमारी कितनी थी, B1-B4 थी यहाँ पे, B1-B4। बट यहाँ से यहाँ तक की जितनी यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में क्या है, बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी इतनी कम हो गई 1-4 डैश। और यहाँ पे जब हमारा एक्सपेंशन होकर के इसी पॉइंट पे आ गया तो बैलोमेट्रिक जो हमारी स्वेप्ट वैल्यूम थी, स्वेप्ट वैल्यूम कितना हो गया, 0 हो गया। तो स्वेप्ट वैल्यूम जितना ही रहेगा उतनी ही हमारी क्या होगी, ये हमारा जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम का जो हमारा बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी होगा वो उतना ही कम, जितना ही ये कम होगा उतने ही वहां पे सिस्टम की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे जो बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी को देखते हुए, यहाँ पे जो हमारा स्वेप्ट वैल्यूम है, स्वेप्ट वैल्यूम जो ज्यादा रहेगा तो हमको एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। इसलिए क्या है, हम मल्टी स्टेज कंप्रेसर का यूज करेंगे। इसमें क्या है, इसमें एक ही सिलेंडर में कंप्रेशन होता है, इसके कारण क्या है, यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी कम हो जाएगी धीरे धीरे, हमको ज्यादा ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता होगी तो। ठीक है, लेकिन हमको अगर ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए आप कैसे इसके लिए प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से चल रहा है। देखिए मल्टी स्टेज बोले तो इसमें ढेर सारे सिलेंडर होंगे, एक सिलेंडर से ज्यादा होगा, चाहे वो 2 हो चाहे 4 हो, जितना भी रख सकते हो, जितना आपको आवश्यकता हो। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम 2 सिलेंडर लेकर के बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हम एक सिलेंडर ये है, इसे हम क्या कह देंगे, कंप्रेसर 1, और इसे क्या कहेंगे, कंप्रेसर 2। मतलब जो कंप्रेसर 1 है, कंप्रेसर 2। तो इसमें कंप्रेसर 1 में पहले कंप्रेशन प्रोसेस करने से पहले जो हमारे इसमें इनलेट होने वाली एयर है, इनलेट होने वाली एयर को हम इसमें इनलेट करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम क्या समझते हैं, यहाँ पे विदाउट क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, क्लियरेंस इसमें नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ से इनलेट करेंगे P1 T1, तो ये P1 T1 प्रेशर 1 पे और T1 टेम्परेचर पर इसमें जब एयर को इनलेट करेंगे तो कंप्रेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर T2 हो जाएगा और प्रेशर P2 हो जाएगा और टेम्परेचर T2 हो जाएगा जब यहाँ से आउट होगा। फिर इसको किसमें हम ले जाएंगे, इसमें ये इंटरकूलर है, समझ, इंटरकूलिंग में, मतलब इंटरकूलिंग सिस्टम ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इंटरकूलिंग सिस्टम लगाए हैं जिससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे जाने वाला जो भी प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2 पे जो हमारा यहाँ पे क्या है, जो एयर जा रही है, इस एयर को क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कोल्ड करेंगे यहाँ से कूलिंग वाटर के द्वारा, क्या है, हम इसको कोल्ड कर देंगे। तो कोल्ड करने के बाद जब कोल्ड करेंगे इसको, तो कोल्ड करने से क्या होगा, इसका जो प्रेशर, एक प्रोसेस जो हमारा चलता है किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पर चलेगा। तो प्रेशर क्या होगा हमारा, प्रेशर तो यहाँ पे वही रह जाएगा जो P2 है, बट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ T2 था, तो यहाँ T2 डैश हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, P2 और T2 डैश वाले टेम्परेचर प्रेशर को हम क्या कर देंगे, कंप्रेसर सेकंड में क्या है, इसको इनलेट करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस होगा कंप्रेशन, और कंप्रेशन प्रोसेस होने के बजाय क्या है, इसमें जो डिस्चार्ज हमारा होगा, डिस्चार्ज होने के लिए क्या हो, यहाँ पे P3 T3, यहाँ पे P3 मतलब प्रेशर और T3 टेम्परेचर पर ये यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये रही बात 2 सिलेंडर के। अब इस चीज को क्या है, पीवी डायग्राम के द्वारा देखते हैं, फिर इसके वर्कडन का फार्मूला हम देखते हैं किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रेशर डायग्राम, ये पी प्रेशर है, यहाँ पे वैल्यूम, पीवी डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देखिए प्रोसेस जो हमारा चल रहा है, प्रोसेस 1 से 2 में क्या हो रहा है, जो हमारा प्रोसेस 1 से 2 में क्या है, हम कंप्रेशन कर रहे हैं, क्या फर्स्ट जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर पहले में जब हम इसमें कंप्रेशन कर रहे हैं तो कंप्रेशन के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस चलेगा। लेकिन इससे पहले क्या होगा, कंप्रेशन से पहले हमारा सक्शन होगा, तो सक्शन जो हमारा होगा, सक्शन प्रोसेस के लिए हमारा यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, सक्शन हो जाएगा। सक्शन हुआ, सक्शन के बाद में हम कंप्रेस करेंगे किसमें, पहले कंप्रेसर में। तो पहले कंप्रेसर में जब कंप्रेस किए तो 1 से 2 तक गया, 1 से 2 तक। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 से 2 में जाने में क्या हुआ, हमारा कंप्रेशन हुआ किस पे, आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन हुआ। ठीक है, पीवी पावर गामा इक्वल टू सी पे आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन हुआ। तो सक्शन यहाँ 1 पे क्या, ये क्या हमारा फर्स्ट कंप्रेशन। लेकिन क्या कहते हैं, 2 से 2 डेज तक हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरकूलिंग हो रही है। क्या इंटरकूलिंग हो रही है, देखिए यहाँ से निकलने के बाद में जब हमारा डिस्चार्ज हो गया, यहाँ से क्या होगा,
यहाँ से जाने के बाद में पॉइंट टू पर पहुंचने के बाद में हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज का इसमें क्या कहते हैं, इंटरकूलिंग कर रहे हैं। तो इंटरकूलिंग के थ्रू क्या होगा, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमारा ये डायग्राम बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का आ गया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का आ गया। फिर क्या होगा, यहाँ से टू डेज से क्या होगा, फिर इसको हम थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे सेकंड कंप्रेसर में। ये इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे लो प्रेशर कंप्रेसर। क्या, लो प्रेशर, बट इसे हम क्या कहेंगे, हाई प्रेशर कंप्रेसर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, हाई प्रेशर कंप्रेसर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर जो में, इस कंप्रेसर में क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर जो है हाई हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ सेकंड कंप्रेसर में क्या होगा, इसको हम फिर से क्या कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करने के बाद में जो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रेशर वाली जो हमको वहां पे रेफ्रिजरेंट या हमारी एयर मिल जाएगी, और फिर उसको क्या करेंगे, यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। तो यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे, और डिस्चार्ज करने के बाद में फिर ये यहाँ से फिर पुनः 0.5 पर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो हमारा क्या है, विदाउट क्लियरेंस है। इसमें क्लियरेंस की बात ही हमने की है, क्लियरेंस सिलेंडर में, पिस्टन में क्या है, हमारा सिलेंडर में क्लियरेंस नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, ये प्रोसेस कैसा होगा, ये जो हमारा चैन होगा क्या, ओपन चैन होगा। क्या, ओपन चैन होगी हमारी यहाँ पे, नहीं, अगर यहाँ पे क्लियरेंस की बात करते तो हमारी क्या हो जाती, क्लोज्ड चैन हो जाती, और यहाँ से क्या हो जाता, हमारा एक्सपेंशन हो जाता, जिससे जो कि मतलब इसके ज्यादा से ज्यादा अगर आपको जानना है तो पिछले वीडियो में आप समझ चुके होंगे, या समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं देखें वीडियो को तो ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, हमारा प्रोसेस चला। अब इसके लिए क्या होगा, वर्कडन क्या होगा, इसका वर्कडन कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरीके का। देखिए यहाँ पे जो फाइनल हमारा वर्कडन निकलेगा, ये C2 है, यहाँ पे जो हमारा फाइनल वर्कडन निकलेगा, वो वर्कडन किसके लिए, वर्कडन जो हमारा लो प्रेशर कंप्रेसर है, यानी कि लो प्रेशर वाला जो हमारा कंप्रेसर है, इसका वर्कडन, और प्लस क्या हो जाएगा, जो वर्कडन हमारा किसका, हाई प्रेशर वाले कंप्रेसर का जो वर्कडन होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वर्कडन हो जाएगा। ठीक है, तो अब लो प्रेशर का वर्कडन कितना होगा, और हाई प्रेशर कंप्रेसर का वर्कडन कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, आइए इसको हम ऐड करते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए जो है हम वर्कडन का फार्मूला देखते हैं। तो वर्कडन का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा E n upon n minus 1 P1 B1। ये फर्स्ट जो कंप्रेसर है इसके लिए बात कर रहे हैं, तो P1 देखिए, P1 से P2 पे जा रहा है, तो इधर से जो हमारा हो जाएगा P1 B1 P2 upon P1 power n minus 1 upon n minus 1। ठीक है, पहले फर्स्ट कंप्रेसर के लिए बात है। ठीक है, लेकिन सेकंड कंप्रेसर का इसमें हम ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसके सेकंड के लिए कंप्रेशन का प्रोसेस जो हमारा चल रहा है, यहाँ से 2 डैश से 3 पे चल रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा E n upon n minus 1 P2 B2 डैश, और उसके बाद हो जाएगा P3 upon P2। क्या, P3 upon P2, क्योंकि यहाँ पे P2 2 डैश और 2 क्या है, सेम है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर काम हो रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 डैश की जगह पे 2 लिख सकते हैं, तो P3 upon P2 power n minus 1 upon n minus 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, हमारा ये फार्मूला गया। लेकिन बात करते हैं क्या, इसमें इंटरकूलिंग हो रहा है, तो इंटरकूलिंग दो तरीके का हो जाता है, एक इम्परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट इंटरकूलिंग होती है। तो इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग कब होता है, इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग कब होता है, कि जब यहाँ से निकलने के बाद जो हमारा T2 डैश है, तो T2 डैश जो हमारा है, ये इक्वल हो जाएगी इसके, अगर यहाँ से जो इनलेट होने वाली जो हमारा यहाँ पे रेफ्रिजरेंट होगा, उसका जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के अगर बराबर हो जाए, तो इसे हम परफेक्ट इंटरकूलिंग कहेंगे। लेकिन अगर क्या है, यहाँ से इनलेट होने वाली जो हमारी एयर होगी, उसका टेम्परेचर, और यहाँ से जो इंटरकूलिंग के बाद में जो टेम्परेचर निकली हुई, उसका टेम्परेचर इक्वल ना नहीं है, तो इसे क्या कह देंगे हम, इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो अब तक किसके लिए बात किए थे, इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए। लेकिन क्या है, अच्छा इसके बाद पहले हम थोड़ा देख लेते हैं इंटरकूलिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है वर्कडन पे। तो देखिए यहाँ से हम थोड़ा पीवी डायग्राम में देख लेंगे। देखिए जब हम प्रोसेस में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से इंटरकूलिंग करने के बाद में हमारा क्या था, जो हमारी यहाँ पे प्रेशर थी, यहाँ से कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो वैल्यू हमारी थी यहाँ पे आ गई। लेकिन अगर यही बात हम किस क्या था, इंटरकूलिंग ना करके कंप्रेशन करते जाते, तो ये कंप्रेशन हमारा कहाँ से, यहाँ से होता जाता, इस तरीके से क्या है, इस तरीके से यहाँ तक होता। इसके लिए क्या था, ये हमारी जो एरिया, यहाँ की जो हमारी एरिया आएगी, ये एरिया जो हमारी इधर बीच की, इस बीच की जो हमारी एरिया आएगी, इतना वर्कडन क्या होता, हमको ज्यादा करना पड़ता। तो यहाँ पे हमारा इंटरकूलिंग का यही मकसद रहता है, कि यहाँ पे हमको वर्क कम से कम करना पड़े। कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें देखते हैं ज्यादा कम से कम वर्क क्या है, कम करना पड़े, और हमको इफिशियंसी उसकी मतलब दक्षता क्या है, ज्यादा से ज्यादा मिले। तो यहाँ देखिए ज्यादा से ज्यादा दक्षता के लिए क्या, हम इंटरकूलर लगा देते हैं, जिससे इंटरकूलिंग होगा, तो यहाँ पे इतना वर्कडन क्या है, हमको कम करना पड़ेगा। तो प्रोसेस हमारा इधर से आकर के इधर चला जाएगा, इसीलिए हम इंटरकूलिंग करते हैं। तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग के बारे में आप जान गए,
तो अब क्या करते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं। जब हम क्या है, अब तक बात किए थे इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग की, लेकिन अगर हम बात करते हैं परफेक्ट इंटरकूलिंग कैसे करेंगे, तो उसके वर्णन क्या होगा। तो परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए अगर हम देखते हैं वर्णन क्या होगा, तो देखिए परफेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये फार्मूला क्या है, ये तो वही हो जाएगा, ये तो वही लिख देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा P2B2' है, क्या P2B2' है, P2B2' की जगह पे आप जानते हैं, आप एक इक्वेशन पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारा था, वहां पे क्या था, PB/T इक्वल टू कांस्टेंट होता था। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पीबी इतना है, ठीक है। लेकिन क्या था, देखिए इसमें दो स्टेज की बात हो रही है, तो टू स्टेज है, तो एक स्टेज यहाँ से हो रहा है, एक स्टेज यहाँ से हो रहा है, तो दोनों स्टेज के लिए हम देखते हैं फार्मूला, ये जो है कांस्टेंट गैस, ये जो गैस का जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से देखते हैं P1B1/T1 इक्वल टू P2B2/P2B2/T2, ये इक्वेशन जो है हमारा प्रूफ हो चुका है। इससे पहले जो है एक नियम है गैस लॉ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उस लॉ से हो गया। देखिए तो यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा क्या है T1 और T2' क्या है, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट क्या था, परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए होता है जो हमारा T1 होगा, T1 किसके बराबर हो जाएगा, T2' के, जो यहाँ से निकलने वाली है T2' जो हमारा टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो चूंकि हम परफेक्ट इंटरकूलिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, T1 इसके लिए कर सकते हैं। तो T1 जब कर दिए, तो इसका T1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P2B2' इक्वल टू P1B1 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये लिख सकते हैं। तो जब ये यहाँ लिख दें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा P2' है किसके इक्वल है, P2 के। देखिए यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिए, जो 2 है P2 है किसके, P2' के इक्वल नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पर काम हो रहा है इंटरकूलिंग जो हमारी हो रही है, किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे क्या है P2' जो हमारा 2' की जगह पे हम क्या P2 रख देंगे। तो इस तरीके से क्या है, हम यहाँ पे जो यहाँ वैल्यू हमारी थी क्या P2B2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं P1B1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो P1B1 जब यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या P1B1 यहाँ पे लिख देंगे, तो इसमें क्या है P1B1 और N/N-1 इन दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसके लिए फाइनल वर्क डन हमारा क्या आएगा, ये परफेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग की, अब तक इन परफेक्ट हम पढ़ चुके, अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए वर्क डन आ जाएगा, P1B1 कॉमन हो जाएगा, इसमें बचेगा क्या P2/P1(n-1) माइनस, उसके बाद माइनस रहेगा तो माइनस को भी छोड़िए, उसके बाद क्या करेंगे P3/P2(n-1)(n) हो जाएगा, और -1a -2 यहाँ पे क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा यही फाइनल वर्क डन आ जाएगा, किसके लिए, मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।